रेत भिलवाड़ा के अंदर धरना हुए ज्ञापन दिया गया। 7 सितंबर को इसका पहला ज्ञापन पूरे राजस्थान में दिया गया। आज पूरे राजस्थान के अंदर हर जगह धरने हुए ज्ञापन का कार्यक्रम समिति द्वारा रखा गया और सरकार जो सोई हुई है गो माता भूखा मर रही है, गो माता की चिंता ना करते हुए गौशालाएँ बंद हो रही है और ये स्थिति हो गई है कि अब तो गो सरकार गो माता को काटने के लिए राजस्थान के बाहर भी गौ माता को भेजा जा रहा है। इसका मतलब ये कि जो गौ रक्षा के लिए चौकियाँ बनाई गई थी ताकि गौ की तस्करी राजस्थान से ना हो सके वो चौकियाँ भी हटा दी गई है और अनुदान के नाम पर जो स्टाम्प ड्यूटी ली जा रही है जनता से पैसा लिया जा रहा है ये पूरा पैसा बंद कर दिया। हम समिति के माध्यम से बात करते हैं कि गौ माता को 365 दिन का अनुदान दिया जाए और गौशाला बनाई जाए। जो गौशाला 2 साल से ज़्यादा हो चुकी है उन गौशालों को भी पूरा अनुदान दिया जाए। अभी तक सरकार अनुदान देना तो दूर की बात है, ऐसी स्थिति में सरकार ने और अनुदान हटा दिया गया। हम मांग करते हैं कि पुनः गौ मंत्रालय बनाकर और गौ माता को संरक्षण दिया जाए, यहाँ तक कि नंदी गौशालाएँ भी और बनाई जाए ताकि नंदी भी कटने को नहीं जा सके। यदि सरकार द्वारा इन मांगों को पूर्ण नहीं किया गया तो आंदोलन आगे और भी उग्र रूप लेगा।